आज मेटल से आज भी इनफैक्ट कहना चाहिए सपोर्ट मिला, पीएमआई चाइना के नंबर्स आए, स्टिमुलस की बातें हो रही है और पिछले हफ्ते से, पिछले डेढ़ हफ्ते से आप मेटल्स को देख रहे हैं चल रहे हैं। आज आईटी से भी सपोर्ट मिला, इसे निफ्टी में एक चाल अच्छी है क्योंकि निफ्टी पर सारे परफॉर्मिंग आज आपको स्पेसेस दिखे। थोड़ी बहुत आपको जो प्रॉफिट बुकिंग दिखी वो एफएमसीजी और कुछ सिलेक्टेड फार्मा काउंटर्स में, जहाँ अच्छी मूव पिछले हफ्ते थी या जहाँ न्यूज फ्लो का एक इम्पैक्ट है वहाँ पर आप जरूर देख रहे हैं। सो बढ़ने वाले काउंटर्स में आपको एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स, ओएनजीसी और कुछ आईटी काउंटर्स में टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। स्टील काउंटर्स, मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में आपको एक मूव दिख रहे हैं। आप ऐसे घटने वाले शेयर्स की अगर बात करें, आज अपोलो पे जो एक रिपोर्ट आई ना, नेगेटिव रिपोर्ट जो कॉशस रिपोर्ट थी, वो आप देखें क्योंकि वैल्यूएशन उनको प्रीमियम लग रहा है, चाहे मैक्स क्यों चाहे अपोलो क्यों, वहां से 3.5% का आपको नुकसान दिखा तो अपोलो हॉस्पिटल पर दबाव है। उसके अलावा एफएमसीजी सॉफ्ट थोड़ा सा पैक हुआ है, 2% लेकिन आपको निफ्टी में तो एक्चुअली मेजर जो सेक्टर्स है वहां से अच्छी मूव दिख ही रही है। आप सेक्टर वाइज भी बात करें तो जो सबसे ज्यादा लीडिंग सेक्टर है जहां से बड़ी तेजी आ जा रही है उसमें आपको पीएससी, मेटल, एनर्जी, आईटी, कमोडिटीज इनकी बात करनी होगी। इनफैक्ट आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ कह देता हूँ। मुझे लगा आप ऐड कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो वॉल्यूम्स है ना, जो मेटल स्टॉक्स में, एनर्जी वाले स्टॉक्स में वॉल्यूम बड़े अच्छे हैं, तो यहाँ से संकेत अब ये भी है कि अच्छा, अभी थकान यहाँ पे आने वाली नहीं है, नहीं दिख रही है। और इनफैक्ट इमीडिएटली इस वीक की एक्सपायरी के लिए तो आपको तेजी का ट्रेड दिख रहा है। इसी तरह से मिड कैप में आप देखें तो आज फर्टिलाइजर और केमिकल के कुछ स्टॉक्स में भी अच्छी मूव, तो कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स में 5% की मूव है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल में देखिए रिपोर्ट थी कॉशस, फोर्टिस उसका फायदा उठा रहा है, 4.5% तेज है। किसी का फायदा किसी का नुकसान, बिल्कुल। तो ओवरऑल आज सारे स्पेसेस से आपको सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छी देखिए। कुछ एफएमसीजी स्पेसेस थे जहां से हमें, एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स है जहां से आपको थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और अदरवाइज आईटी, मेटल्स, एनर्जी, पावर स्पेस ने पावर भरी पूरे दिन के ट्रेड में, और अब हम 19,750 के ऊपर भी क्लोज करते हुए दिखाई दे। अच्छा, आईटीसी भी देख ऐसा लग रहा है कि पूरा स्ट्रीट बैठा हुआ था बस इस उम्मीद में कि डिमर्जर कंपनी लाल कर दे। हाँ, जैसे ही बस बता दिया कि हम करने वाले हैं, वो जो बात थी ना, वो स्टीम बबल पूरा निकल गया, का पार्ट निकल गया। हाँ, वो निकल के अब उस पे स्टेबल हो गया है। हाँ, उस पे स्टेबल हो गया, करेक्ट। चलिए ठीक है, सो ओवरऑल अ गुड सेशन, देखना होगा ओवरनाइट क्यूज किस तरह से निकल कर आते हैं। कल सुबह आपसे फिर होती है मुलाकात, हमारे सर एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत